डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश बोले तो हमारे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में कई बार हम बता देते हैं हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हमको बजट भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेहतरीन बजट कई डेवलपमेंट स्कीम्स को अब तक दे चुकी है। उसमें से दुल्हन स्कीम पर्टिकुलरली बोले तो हम स्टेट फर्स्ट है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। लास्ट ईयर 16-17 में 2430 पर एक दुल्हन बेनिफिशियरी को 12 करोड़ तक हम उनके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर चुके हैं। ये साल 17-18 में अब अप्रैल से लेके अब तक 2080 पर पांच दुल्हन को अब तक हमें 10 करोड़ तक उनके अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं। हमारा तो टारगेट दो जो सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर जो बजट रिलीज हुआ उसको पूरे तरह से 100% हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट में तो ये प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा है। हम माइनॉरिटी वेलफेयर डे जो इधर स्टेट लेवल फंक्शन भी लास्ट नवंबर 11 को इधर सेलिब्रेशन कर चुके हैं, उसका सेलिब्रेशन में भी हम 291 बेनिफिशियर्स को 1,45,50,000 भी दे चुके हैं। बाद में और एक एडुकेशन में भी हमारा डेवलपमेंट के लिए राष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल भी दो स्कीम्स इधर दे चुके हैं। रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने हमारे एक रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम गर्ल्स स्कूल इधर पर रेंटेड बिल्डिंग में है उसके लिए 15 करोड़ अमाउंट सैंक्शन कर चुकी है। माननीय कलेक्टर जी हमारे सत्यनारायण सार आईएएस ने ये डिस्ट्रिक्ट के दिन्नदेवरपाड़ में 4 acres 53 cents हमको अलाट कर चुके हैं। उसका टेंडर भी APEWIDC जरिए से उसका जंगल क्लियरेंस कुछ फाउंडेशन भी हो चुका है, कामधाम शुरू हो चुका है दिन्नदेवरपाड़ कर्नूल के करीब। फिर बाद में एक पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल इधर ए डिस्ट्रिक्ट को 2007 में पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल माइनॉरिटीज के लिए सैंक्शन हो चुका है। अब तक वो रेंटेड बिल्डिंग में ही है। अब 2 crores 50 lakhs भी उसको भी बजट आ चुका है, उसके लिए 50 cents दिन्नदेवरपाड़ में अलाट।